नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हजारीबाग के खपरियावा नरसिंह मंदिर के पास गोकशी का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने पूछताछ की तो लोगों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। देखिए, हजारीबाग के कटगमदाग थाना क्षेत्र के खपरियावा के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर रोड में गोकुशी मामला सामने आया है। गोकुशी की जानकारी मैदान के बगल में एक घर के नाली से खून निकलता देख ग्रामीण को हुआ। पूछताछ करना शुरू किया गया तो लोग सतर्क हो गए, घर को अंदर से बंद कर दिया। मंदिर चौक पर जब पुलिस ग्रामीण को लेकर पहुंची तो उसके घर पर मोहल्ले के लोगों ने पत्थर और लाठी डंडे से हमला बोल दिया। कई लोगों को चोट लगी है, किसी तरह वहां से अन्य लोग भाग पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस का मंदिर के क्षेत्र में कैंप की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।